हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और प्रदेश भर में बारिश हो रही है। बीती रात भी प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है, जिसके चलते कई जगह लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश में हो रही बारिश से 115 सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई है, जिन्हें बहाल करने के लिए मशीनरी लगाई गई है। इसके अलावा 212 बिजली के ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल परियोजनाएं भी बाधित हुई है। वहीं इस मॉनसून में अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है और वहीं मॉनसून को देखते हुए प्रदेश सरकार ने खासतौर से पर्यटकों के लिए भी एडवर्टाइजरी जारी की है और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। आपदा प्रबंधन के सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मौसम ने दस्तक दी है और इस बार मौसम विभाग की ओर से मॉनसून के सामान्य रहने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में बारिश हो रही है और आज सुबह तक प्रदेश में 115 सड़क यातायात के लिए बंदी पड़ी हुई है, जिन्हें खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई है और सड़कों को तुरंत प्रभाव से खोलने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं और सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश में 212 के करीब ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। प्रदेश में 10,000 के करीब पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें से आज सुबह तक 77 पेयजल परियोजनाएं बंद हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में खासकर पर्यटक सेल्फी लेने के लिए नदी नालों के पास जाते हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से वहां पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाए, लेकिन सेल्फी के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर एडवर्टाइजरी जारी की गई है और नदी नालों के पास न जाने का आग्रह किया गया है। जून महीने के आखिरी सप्ताह में जो मॉनसून है पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है और अभी इनिशियल स्टेज है। इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में मॉनसून जो सामान्य रहने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश के लिए भी जो फोरकास्ट है वो सामान्य मॉनसून की है। अभी तक हमारी आज सुबह तक जो है 115 सड़कें जो हैं वो मॉनसून के कारण कुछ स्थानों पर बाधित हुई हैं और उसी तरह से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो भी 212 स्थानों पर जो है वो वहाँ पे बिजली की सप्लाई बाधित हुई है और साथ में पूरे प्रदेश में हमारी 10,000 पानी की स्कीमों में से 17 वाटर सप्लाई की स्कीम जैसी हैं जो बाधित हुई हैं। ये जो आंकड़ा है सड़कों का या ट्रांसफार्मर का या वाटर सप्लाई स्कीम्स का हर दिन घटता बढ़ता रहता है। मैं जैसे बताना चाहूँगा कि पिछले कल तक हमारी पानी की कोई भी स्कीम जो बाधित नहीं थी और जो ट्रांसफार्मर आज मैंने 212 बताया, पिछले कल 319 थी और सड़कें भी उसी तरह से पिछले कल 63 थी, आज 115 जो है बाधित हुई है। लेकिन हमारी मैन मटेरियल और मशीनरी सब जगह डिप्लॉयड है और जैसे जैसे कोई भी जो ये इस तरह की बाधा उत्पन्न होती है हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने मैन और मटेरियल के साथ उसको रिस्टोर करते हैं। और ये जो 13 जून 2024 को एक बैठक हुई थी उसमें सभी जिलाधीशों को, सारे फील्ड फंक्शनरीज को, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड और जो हमारे HOD हैं सबको ये बता दिया गया है ताकि कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो हमारे डिपार्टमेंट के डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसके तहत अपना सभी लोग कार्य करें और सभी लोग कार्य कर रहे हैं। पिछली वर्ष जो है पिछले वर्ष 2023 में मानसून में हमने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेला है, उससे भी कुछ सबक लेते हुए हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं और इस बार होप करते हैं कि इस बार सामान्य मानसून रहेगा। अभी तक जान माल की कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। जहाँ तक हमारा जो नुकसान कितना हुआ है ये अभी इनिशियल स्टेज है, मुझे लगता है एक दो दिन के बाद जो है एस्टिमेशन जो है हमारे आने शुरू हो जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। वैसे हम मीडिया के साथ जो है जो भी सूचना आती है कितनी सड़कें बंद हैं, कितने ट्रांसफार्मर बंद हैं और कितने पानी की स्कीमें बंद हैं और जान माल को क्या नुकसान हुआ, समय समय पर हर दिन जो है बुलेटिन के तहत आप लोगों से सूचना प्रवाह में हम शेयर करते रहते हैं। एडवाइजरी जो है नेशनल लेवल पर भी हम लोग जो हमेशा जारी करते हैं, लेकिन सबसे सशक्त मीडिया जो है वो आप लोग जो है प्रिंट मीडिया और जो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सबसे सक्षम जो माध्यम है उसके तहत मैं आप लोग सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी
प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी एडवाइजरी हो, जो भी वार्निंग हो, उसका ध्यान अवश्य रखें। और अभी क्योंकि मानसून फुल स्विंग में है, नदी नालों से उचित दूरी बना के ही रखें। और जब भी पहाड़ी क्षेत्र में आप पर्यटन करके जहाँ पे जा रहे होते हैं, तो पत्थर आदि गिरने का जो है संभावना को उसको ध्यान में रखते हुए निकलें। हमारा अभी तो मानसून के बाद तो ऐसे जान माल के नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पूरे देश में सूखे की और लू स्थिति थी और लू चल रही थी जून महीने में और मई महीने में, उस दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 लोग जो हैं पानी में अटखेलियां करते हुए डूब के उनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद है। जिला प्रशासन ने और सरकार ने जगह जगह बोर्डिंग भी लगाए होते हैं और जो बोर्ड भी चेतावनी के बोर्ड भी लगाए होते हैं, उनको वैसे भी सलाह दी जाती है, लेकिन लोग फिर भी जो है नालों के किनारे चले जाते हैं और एक सेल्फी के चक्कर में जान गंवा लेते हैं। तो अब तो जो है क्योंकि मानसून फुल स्विंग में है, मेरा सभी लोगों से, पर्यटकों से, स्थानीय लोगों से भी आग्रह है कि पानी नदी नालों से दूर रहे, ताकि जो है जीवन अनमोल है उसको बचाया जा सके। ज़्यादा होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं और नदियों का जल स्तर जो है ऊपर बढ़ता है। तो इस बार भी हमारी जो है ये गर्मियों के दौरान जो है जल स्तर बढ़ा है, लेकिन अब क्योंकि मानसून आ चुकी है, तापमान जो है थोड़ा सामान्य हो गया है, तो इस तरह से ये जो है सभी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार इस एक मानसून के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो भी डूबने से या पानी से नहीं होकर के रोड में एक्सीडेंट के कारण एक मृत्यु हुई है। और बाकी जो सामान्य है आगे मैं आपसे लोगों से शेयर करते रहेंगे समय समय के साथ। तो ये अभी तक का स्थिति है और मैंने जैसे पहले कहा, सरकार और प्रशासन किसी भी स्थिति के निपटने के लिए सक्षम है और हम उसका पूरा अच्छी तरह से सामना करेंगे।